हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिलिंग के बारे में बताऊंगी कि आपने बिलिंग कैसे करनी है। तो फर्स्ट आपने अपना वेब पेज ओपन करना है और उसमें एमवेब ऐप.com वेबसाइट ओपन करनी है। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इसमें आपने ऐप्स पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट रिटेल मैनेजमेंट, और यहाँ पर आपने प्राइसिंग पे क्लिक करना है। तो ये हमारा प्राइसिंग सेक्शन है, इसमें आपको दिख रहा है रजिस्टर नाउ, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ये पेज आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। तो हमने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो हमने सिर्फ इसमें लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। तो जो ये URL है, इसको आपने बुकमार्क करना है कि आपको बार बार पेज ओपन ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिखा है, माई शॉप। तो आप इसमें कुछ भी अपना शॉप का जो नाम है वो इसमें एंटर कर सकते हो, और मैं इसे डन कर रही हूँ। तो मैंने ये डन कर दिया है, तो मैं अपना नया टैब ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है माई शॉप, जो मैंने बुकमार्क किया था वो यहाँ पे आ चुका है। बट कभी कभार जो बुकमार्क हमने किया हुआ वो शो नहीं होता, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बुकमार्क दिख रहा है, और यहाँ पे जो आपकी शॉप का नेम है वो यहाँ पे है। तो इसको आपने ड्रैग करना है और बुकमार्क के सेक्शन पे लाना है। तो इस पर जो मेरा माई शॉप का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ और ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी एंटर कर रही हूँ एंड पासवर्ड एंड लॉगिन। तो ये हमारा रिटेल का फर्स्ट पेज है। तो इसी में मैं आपको बताऊँगी कि बिलिंग कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे इस कार्ड पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये हमारा बिलिंग का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिलिंग कितने टाइप्स की होती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, फर्स्ट जो ये पेज आपको दिख रहा है, थ्री टाइप्स ऑफ बिलिंग: रिटेल बिलिंग, डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग एंड मैनुअल बिलिंग। रिटेल बिलिंग वो होती है जो कस्टमर्स के लिए होती है, और डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग जो होल सेलर कस्टमर के लिए होती है। तो रिटेल और डिस्ट्रीब्यूट बिलिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है। तो इसमें जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है, और किसी कंपनी का कुछ स्टैंडर्ड प्राइस होता है, और उसका प्रोडक्ट एक ब्रांड होता है। तो उसका ब्रांड जो होता है और उसका प्राइस जो होता है वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो इसमें होता है। और मैनुअल बिलिंग, जैसे हम ये वो होता है जिसमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होता है, जिसका हम रेट ऊपर नीचे कर सकते हैं, मीन्स कि हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कोई वेबसाइट बनाई है, तो उसमें बनाने के लिए बहुत सारे उसमें मटेरियल्स कुछ भी लगा हो, तो उसका प्राइस हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो वो है मैनुअल बिलिंग। तो आज मैं आपको फर्स्ट मैनुअल बिलिंग के ही बारे में बताऊँगी कि आपने मैनुअल बिलिंग कैसे करनी है। तो मैं अपना पेज ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मैनुअल बिलिंग ओपन कर रही हूँ। तो ये हमारा मैनुअल का पेज है, मैनुअल बिलिंग का। तो फर्स्ट मैं आपको ऐसे ही एक सिंपल सा बिल बना के दिखाती हूँ। इसमें मैं आइटम कोड इसमें 123 एंटर कर रही हूँ। HSN कोड आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें। और मैं सेल कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, मैंने इसमें प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, और सेलिंग प्राइस मैंने इसमें 400 डाल दिया, और क्वांटिटी 1 एंड एड आइटम। तो ये देखिए, जो मैंने एंटर किया था इसमें कोड नेम एंड रेट, टैक्स मैंने इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, और इसका टोटल अमाउंट 400। तो बिल आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा बिल बन गया सिंपल सा, जो मैंने बिल बनाया। उसके बाद यहाँ पे आपको इस बिल में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे टैक्स सिक्वेंस, एक्सक्लूड टैक्स, SP। तो फर्स्ट मैं आपको टैक्स सिक्वेंस के बारे में बताऊंगी कि ये क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको पेज ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, टैक्स नॉट इन सिक्वेंस एंड टैक्स इन सिक्वेंस, दो टाइप्स के आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको टैक्स नॉट इन सिक्वेंस के बारे में बताऊँगी।
तो यहाँ पे दोनों साइड हम प्रोडक्ट एक ही बेच रहे हैं, जैसे मोबाइल में इसमें सेल कर रही हूँ, और इसका प्राइस भी सेम है 6000 6000। तो फर्स्ट में टैक्स नॉट इन सिक्वेंस मैं आपको बताऊँगी कि कैसे होता है। तो इसमें मैंने मोबाइल 6000 का बेचा है, और इसमें GST में 20% लगा रही हूँ उसके एक्चुअल रेट पे, जो इसका 6000 है। तो इसका जो 20% लगा के बना वो बना 1200, और इसी के जो एक्चुअल रेट है 6000 उसमें मैं सेस 10% लगा रही हूँ, तो इसका जो अमाउंट बना 600। तो इसका नेट अमाउंट आपको दिख रहा है 7800। तो ये सीक्वेंस में नहीं है, तो यहाँ पे आपको दूसरी तरफ दिख रहा है टैक्स इन सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल सेल कर रही हूँ 6000 का सेम प्राइस पे, जो टैक्स इन नॉट इन सीक्वेंस में था। तो 6000 यहाँ पर भी है, तो GST में इसमें 20% लगा रही हूँ इसके एक्चुअल रेट पे, तो इसका अमाउंट बना 1200। तो जो मैं सेस इसमें 10% लगा रही हूँ, वो जो इसका एक्चुअल रेट और जो GST लगा के इसका रेट बना, उन दोनों को प्लस करके जो इसका अमाउंट बना 7200। तो इस पे मैं सेस 10% लगा रही हूँ, तो इसका बना 720। तो इसमें 120 का इसमें डिफरेंस आ गया। तो इसका नेट अमाउंट देख रहे होंगे आप 7920 रुपीज़ हो गया। तो यही मैं आपको यहाँ पे बिल में बताती हूँ कि ये कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आइटम कोड डाल रही हूँ 231 प्रोडक्ट ABC, फॉर एग्जांपल 1 सेलिंग प्राइस हो गया इसका, उसमें जितना था 6000, क्वांटिटी 1। फर्स्ट मैं आपको ये बता रही हूँ नॉट इन सीक्वेंस, तो मैं यहाँ पे विदाउट सीक्वेंस कर रही हूँ। तो मैं जो ये आपको टेक्स्ट सीक्वेंस का दिख रहा है, मैं इसको अनचेक्ड, मैं इसे टिक नहीं कर, मतलब मैं इस पर क्लिक नहीं कर रही हूँ, और इसमें GST लगा रही हूँ, GST 20% एंड सेस 10%। तो इसमें ऐड आइटम कर रही हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाया था सेम वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो विदाउट इन सीक्वेंस तो इसका अमाउंट 6000 था रेट, और टैक्स इसमें मैंने 20% GST एंड 10% वो लगाया सेस, तो इसका अमाउंट बना टोटल अमाउंट 7800। और अब मैं इसमें एक और आइटम ऐड कर रही हूँ, कोड मैं इसमें डाल रही हूँ 324 एंड सेलिंग प्राइस ABC, फॉर एग्जाम्पल 2। अब मैं इसमें विद सीक्वेंस कर रही हूँ, इन सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में इसको बता रही हूँ आपको कैसे करना है। सीक्वेंस कर दिया, सेलिंग प्राइस सेम वही डाली हूँ 6000, क्वांटिटी 1। अब मैं इसमें जो ये टैक्स सीक्वेंस का ऑप्शन है इसे टिक कर रही हूँ, मतलब मैं इसमें सीक्वेंस में आपको बता रही हूँ, तो मैं इस पर चेक कर रही हूँ, इसको बॉक्स को चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने GST डाला है 20% सेम, सेस 10% सेम वही, और इसमें ऐड आइटम कर रही हूँ। तो ये आपको दिख रहा है जो मैंने प्रोडक्ट विद इन सीक्वेंस में विदाउट सीक्वेंस में लगाया था, उसका प्राइस 7800 था, और जो मैंने सीक्वेंस में इसमें टैक्स लगाया उसका प्राइस 7920 हो गया, तो बढ़ गया रेट। तो यहाँ पर आपको सेकंड में एक और ऑप्शन दिख रहा है एक्सक्लूड टैक्स SP। तो इसके बारे में फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो करती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है केस वैन चेक्ड एंड सेकंड पे केस वैन अनचेक्ड। तो जब मैंने एक्सक्लूड टैक्स पे क्लिक किया तो इसका प्राइस मैंने रखा था फॉर एग्जांपल 100, तो इसमें मैंने 10% इसमें टैक्स लगाया, तो इसका अमाउंट बना नेट अमाउंट 110 रुपीज़। और सेकंड वाले में जब मैंने इसे अनचेक्ड किया तो इसका अमाउंट तो सेम ही था 100, बट इसने अपने में ही जो इसका टैक्स है वो इंक्लूड कर दिया। तो फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा है यूजफुल व्हेन
यू नो द प्राइस बिफोर टैक्स, और सेकेंड में यू शुड वेन यू नो द प्राइस आफ्टर टैक्स। तो मैं यही आपको बताऊंगी कि ये कैसे होगा। तो मैं अपने पेज पे जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आइटम कोड कुछ भी डाल रही हूँ, जैसे 456, सेलिंग प्रोडक्ट ABC 4, प्राइस लाइक 100, क्वांटिटी 1। मैं यहाँ पे ध्यान रखना, मैं इसे चेक नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट चलो मैं इसमें चेक करती हूँ, तो मैं इसमें क्लिक कर रही हूँ, तो GST इसमें डाल रही हूँ मैं 10% एंड एड आइटम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे उस पिक्चर में मैंने आपको बताया था, वो सेम वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसमें मैंने 10% वो टैक्स लगाया, तो 100 पे, तो टोटल अमाउंट इसका 110 हो गया। तो सेकंड आइटम में इसमें एंटर कर रही हूँ 123, आइटम कोड ABC EC2, प्रोडक्ट एंड सेलिंग प्राइस सेम 100, क्वांटिटी 1। और अब मैं इसमें अनचेक कर रही हूँ, मैं इसे चेक नहीं कर रही हूँ, तो इसमें क्लिक कर रही हूँ, तो इसमें GST में 10% ही लगा रही हूँ, जैसे मैंने पीछे लगाया उसमें 10% एंड एड आइटम। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि ये अपने में ही इसका टैक्स जो है वो इंक्लूड करता है, तो इसका अमाउंट 100 ही था, तो यहाँ पर भी 100 ही शो रहा है। तो ये मैं आपको बिल दिखाती हूँ ये कैसे बना। तो ये बिल ऐसे शो होगा, जो भी हमने इसमें लगाया GST, फर्स्ट वाले में हमने सीक्वेंस विदाउट इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस में जो GST% लगाए थे, सेस जो हमने टैक्स लगाया था उसका अमाउंट सेम वही था, और इसमें एक्सक्लूड वाले में हमने GST 10% लगाया और इसका अमाउंट, तो इसका टोटल अमाउंट बना 16,330। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि ये बिल कैसे आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाना है प्रिंट के ऑप्शन पे, बट मेरी इसमें प्रिंटर तो कनेक्टेड नहीं है, बट मैं इसमें प्रिंट पे क्लिक कर रही हूँ और इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। तो इसका मैं नेम रख रही हूँ बिल नंबर 4, तो ये मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो कस्टमर है उसने आपको कितने दिए और आपने कस्टमर को कितने रुपीज़ अमाउंट जो है वो रिटर्न करना है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आपको Tax 3 भी दिख रहा है, तो यहाँ पर आप और भी टैक्सेस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट मैंने दो ही किए हैं। तो मैनुअल बिलिंग में बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं यहाँ पे आपको उनके बारे में बताऊँगी। फर्स्ट तो मैं यहाँ पे जैसे कस्टमर नेम लिख रही हूँ, रेखा फॉर एग्जाम्पल, एंड आइटम कोड 456। दो तीन आइटम मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बताऊंगी। मोबाइल एंड इसका प्राइस मैंने लिख दिया 10,000, क्वांटिटी 1 एंड ऐड आइटम। इसमें मैं एक और आइटम ऐड कर रही हूँ, आइटम कोड मोबाइल 2 फॉर एग्जाम्पल, इसका प्राइस मैंने दिया 12,000 और क्वांटिटी 1, ये एड आइटम। और इसमें मैं एक और आइटम ऐड कर रही हूँ, मैं आपको तीन आइटम इसमें ऐड करके बताऊँगी। 3, 2, 1 मैंने इसका कोड रखा, और मैं टैबलेट प्राइसिंग इसका 17,000, 7,000 सॉरी, क्वांटिटी 1 एंड एड आइटम। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों आइटम में ऐड कर दी, तो आपको यहाँ पे बिल दिख रहा है। तो बिल में मैंने ये कस्टमर नेम डाला और आइटम जो है ऐड कर दी इसमें। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो इसका एक और फीचर है। तो इस पेज पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है चलान नंबर, तो चलान नंबर आप इसमें डाल सकते हो। मैंने इसमें फॉर एग्जाम्पल ये डाला, और डेट
परचेज ऑर्डर नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो, एंड डेट, और डिलीवरी चार्जेस मैंने इसमें लिख दिए 100 रुपीज़, और जो एक्स्ट्रा अदर चार्जेस हैं मैं इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रही हूँ, तो एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने इसमें लगा दिए 100, तो मैं इसे अपडेट कर रही हूँ। तो ये मैंने अपडेट कर दिया है, तो इसका टोटल अमाउंट जो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इसकी दिख रही है, इनवॉइस नंबर, चलान नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर और डेट्स, और इसका जो टोटल अमाउंट हुआ ना वो है ना 29,200। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है इसमें, अप्लाई टैक्स इन सीक्वेंस वन आफ्टर अदर। तो यहाँ पे मैं टैक्स लगा रही हूँ इसमें, GST मैं इसमें लगा रही हूँ 20%, सेस 10%, तो मैं इसे अपडेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने इसमें GST और सेस लगाए 20 एंड 10%, तो इसका टोटल अमाउंट बना 37,900। तो ये जो GST मैंने इसमें लगाया वो सीक्वेंस में लगाया, वो इन तीनों पर ही एक बार में ही लगाया। तो इसमें एक और फीचर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो है डिलीवरी का। तो आप इसमें डिलीवरी कैसे कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ बिग पे, और ये है डिलीवरी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं कस्टमर ऐड कर रही हूँ, तो आपने कस्टमर ऐड करना है। तो जो ये प्लस का साइन है यहाँ पर आपने जाके कस्टमर ऐड करने हैं, तो मैंने तो पहले से ही कस्टमर ऐड कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट आपने कस्टमर नेम एंटर करना है, मैंने कर दिया। आइटम कोड मैं इसमें 321 डाल रही हूँ, एंड प्रोडक्ट नेम जैसे मैं सेल कर रही हूँ केक, इसका प्राइस मैंने डाल दिया 800, क्वांटिटी 2, एंड इसमें मैं टैक्स लगा रही हूँ GST 20%, एंड एड आइटम। तो यहाँ पे मैंने जो केक है, जो आइटम है वो ऐड कर दी है, तो यहाँ पे आपको बिल ऐसे शो हो रहा है। और यहाँ पे जो ट्रक का आपको साइन दिख रहा है डिलीवरी का, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और इसमें चेक एंड शिप हेयर एंड क्लोथ्स, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टमर डिटेल एंड डिलीवरी एड। तो आपने डिलीवर कहाँ करना है और कस्टमर कौन है, और इस जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो आपका ये आइटम है वो कहाँ डिलीवर करना है, उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा बिल बन गया, और इसे आपने प्रिंट भी कर सकते हो आप इसे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो आप यहाँ पे प्रिंट करके इसे सेव कर सकते हो और इसे प्रिंटर से वो निकाल सकते हो, बट मेरे इसमें प्रिंटर नहीं है कनेक्टेड। तो यहाँ पे आपको पेमेंट डिनोमिनेशंस दिख रहे हैं, कस्टमर ने आपको कितने दिया और आपने कस्टमर को कितने रिटर्न करने हैं, उसने आपको 2000 दिए और आपने उसको 80 रुपीज़ रिटर्न करने हैं। तो ये हमारा मैनुअल बिलिंग है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसा यहाँ पर आपको बॉटम में दिख रहा है होल्ड और क्रेडिट बैंक, ये आपके फीचर्स हैं मैनुअल बिलिंग के। होल्ड, आप बिल को कैसे होल्ड कर सकते हो, क्रेडिट कैसे कर सकते हो, और बैंक के थ्रू आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, इसमें ये बहुत सारे फीचर्स हैं मैनुअल बिलिंग के। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू।